केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में पास किए गए 3 कृषि कानून के खिलाफ किसानों का हल्ला बोल जारी है। गुरुवार को पंजाब से चले किसानों ने हरियाणा के रास्ते दिल्ली कूच किया, लेकिन पुलिस द्वारा बॉर्डर पर ही किसानों को रोक दिया गया। पुलिस के साथ किसानों की झड़प भी हुई, लेकिन किसान पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे। किसान अपने साथ ट्रकों में राशन भर कर लाए हैं और लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं। किसानों के पास राशन, दूध, सब्जी, कंबल, कपड़े, गैस, चूल्हा समेत अन्य सामान हैं। अंबाला पटियाला बॉर्डर पर हजारों की संख्या में किसान दिल्ली कूच के लिए निकले, लेकिन पुलिस द्वारा रोक दिया गया। पुलिस ने किसानों पर लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले मारे और पानी की बौछारें छोड़ी। इस दौरान किसान ट्रक ट्रैक्टर पर मुस्तैद रहे। किसानों के प्रदर्शन पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि किसानों को 3 दिसंबर को फिर बात करने के लिए बुलाया गया है। केंद्र की ओर से पहले भी किसानों के साथ बातचीत की कोशिश की गई है, लेकिन कोई हल नहीं निकला। इन ट्रकों और ट्रैक्टरों में किसान अपना राशन, रहने का सामान लाए हैं, ताकि अगर प्रदर्शन और धरना लंबे वक्त तक चले तो इस्तेमाल किया जा सके। किसान संगठनों ने चेतावनी दी है कि उन्हें दिल्ली जाने दिया जाए, अगर कहीं रोका गया तो उसी जगह पर धरना प्रदर्शन शुरू कर देंगे। बता दें कि इस प्रदर्शन में करीब 30 से अधिक किसान संगठन शामिल हैं, जो कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं। पंजाब से चले किसान हरियाणा के रास्ते दिल्ली आने की कोशिश में हैं, ताकि राजधानी में ही प्रदर्शन कर सके। किसानों की ओर से पंजाब हरियाणा बॉर्डर के अलग अलग हिस्सों से दिल्ली आने की कोशिश की जा रही है। दरअसल किसान की मांग है कि इन कानूनों को वापस लिया जाए और MSP मंडी पर पहले जैसी स्थिति ही बहाल कर दी जाए। किसान संगठनों की केंद्र के साथ कई दौरे की बात भी हुई है, लेकिन कोई समझौता नहीं हो सका। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।